जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई न होने के चलते 20 लोगों की मौत के बाद साइबर सिटी के निजी अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने से 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल खांडसा रोड स्थित कथूरिया अस्पताल में 11 बजे ही ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने लगी थी। अस्पताल प्रबंधन ने इसको लेकर कई बार जिला प्रशासन के अधिकारियों के संज्ञान में अति गंभीर मामले को लाया गया था, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई की भारी किल्लत के चलते सप्लाई अस्पताल में सही समय पर नहीं पहुंची, जिसके चलते इस अस्पताल में इलाज करवा रहे 4 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। ऐसा हुआ कि ऑक्सीजन जो था वो खत्म हो गया। हाँ। ऑक्सीजन के सिलेंडर बिल्कुल खत्म हो गया, करीबन 15-20 मिनट बिल्कुल ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म थी। और इससे पहले भी मतलब इन्फॉर्म कर दिया था, हॉस्पिटल वाले ने भी इन्फॉर्म किया था कि अपने नोडल ऑफिसर को, जहाँ से भी रिसोर्सेज सब पेशेंट्स के जो रिलेटिव सबने कोशिश करी, बट 20 मिनट तक बिल्कुल ऑक्सीजन का अरेंजमेंट हो ही नहीं पाया। उसके बाद इंडिविजुअली बंदे गए हैं, कोई अपने पर्सनल गाड़ी में गया है, कोई कुछ, उसके बाद में लेके आए अरेंजमेंट कर उड़ के, कहीं से भी पैसा पे किया जो भी किया, तो उसके बाद में ये उसके बाद में ऑक्सीजन लग पाए। 20 मिनट बिल्कुल सप्लाई बंद थी, जिसकी वजह से कुछ डेथ भी हुई है। कितने लोगों की मौत हुई है इससे पता नहीं, वो हमें नहीं पता, बट हुआ है क्योंकि कई फैमिली यहाँ पे रोने लग रही थी बाहर, तो एग्जैक्टली तो डेटा हॉस्पिटल वाले देंगे, आप अंदर जाके ले सकते हो। बड़े की वजह से लोगों की हुई है, रायता ही होगी थी, यहाँ पे सब रोने लग रहे थे, बताओ क्या करें। गवर्नमेंट कह रही है ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। हाँ, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। उस समय ये हिंद वॉरियर वाले भी आए थे, उन्होंने भी कवर किया था जिस समय, तो उस समय तो खत्म होने वाला था, आधा घंटे का बैकअप था, बट उस आधे घंटे के बैकअप में भी कुछ अरेंजमेंट नहीं हो पाया। ठीक, ओके। उसकी भी वजह से ये हुआ, और जबकि ऊपर तक कम्युनिकेशन भी दे दिया, जो डीसी साहब ने नंबर दिया उस पर भी फ़ोन करके देख लिया, उससे भी कुछ हमें नहीं मिला। अपने ब्रदर कराया था, मैं दिल्ली से हूँ सर, दिल्ली में मुझे बेड नहीं मिला तो हमने यहाँ से कराया था। हाँ। एडमिशन तो हो गया था, इलाज से चला, बीच में ऑक्सीजन की कमी बार बार 2-3 बार हमने फेस किया था। तो अब क्या कुछ दिक्कत आई यहाँ पे, क्या कुछ हादसा हुआ है? अभी मेरे भाई रहे नहीं, क्योंकि बीच में ऑक्सीजन की जिस टाइम उनको सख्त जरूरत थी उस टाइम से यहाँ पे एक भी सिलेंडर नहीं था। हमने अपना पर्सनल सिलेंडर बाहर से रेंट करके वहाँ पर लगवाया, जिससे कुछ देर तक चला होगा, उसी बीच में उनकी रहते होंगे सर। कितने लोगों की मौत हुई है? मेरे ख्याल से 2-3 लोग तो उस पीरियड में हुए होंगे, बाकी का पूरा अपडेट नहीं है। दरअसल बीते हफ्ते भर में दिल्ली एनसीआर में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। गुरुग्राम के तमाम बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर न केवल ट्वीट किए जा रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी जिला प्रशासन और सरकार की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके अभी भी अस्पतालों को सुविधाजनक ऑक्सीजन सप्लाई शुरू नहीं हो सकी है, जिसके चलते ये दर्दनाक हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं इस मामले में कपूरथला अस्पताल के संचालक ए.के. कथूरिया की माने तो संक्रमण वैसे ही दिनों दिन खतरनाक होता जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके ऑक्सीजन सप्लाई न मिलना बड़ी परेशानी खड़ी करता जा रहा है। कोरोना जो है वो अपने आप में महामारी है, वो आप जान रहे हैं, पेंडेमिक है, उसकी वजह से लोग तो मर ही रहे हैं, मगर सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी व्यवस्था में भी कुछ कमियाँ हैं, जो हमें ऑक्सीजन को पूरा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे जितनी हमें चाहिए। और ये हम सरकार से अपील करते हैं बार बार कि जितनी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देंगे उतनी जानें हम बचा पाएंगे। कितने लोगों की मौत हुई है सर? अभी 4 लोगों। 4 लोगों की। ऑक्सीजन कब खत्म हुई थी और कब आपने इन्फॉर्मेशन दी थी जिला प्रशासन को? ऑक्सीजन जो है वो हम लोगों की जो है 11 बजे के आसपास खत्म हुई है, और उसके बाद भी हम बार बार ट्राई कर रहे हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी मिल गई। हमारे सिलेंडर आ भी गए मगर ऑक्सीजन की वजह से ज़्यादा मौतें नहीं हुई है, मेन तो बीमारी की वजह से, डिजीज़ की वजह से ज़्यादा तकलीफ हुई। कौन कौन लोग हैं जो इनमें, कोई कुछ महिलाएँ हैं या बच्चे हैं या फिर किस तरह की उम्र के? उम्र ज़्यादा उम्र के लोग हैं जिनको ज़्यादा। आपको बता दें कि जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार तमाम दावों के बावजूद ऑक्सीजन सप्लाई को सुनिश्चित नहीं कर पा रही है, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई न होने के चलते चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि इस चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन और प्रदेश सरकार क्या कुछ कार्यप्रणाली अपनाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज विशिष्ट की रिपोर्ट।